और हम स्टेपल के बीचों बीच वाले इलाके में आए हैं अभी। यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को अलाउड नहीं है। तो यार दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैं रात को इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं यहीं पे क्रैश कर गया था। जो गेस्ट हाउस है मंदिर का, उन्होंने मुझे मतलब अकोमोडेट किया था। और अभी चल रहे हैं हम गब्बर हिल। नाम से जोरदार लग रहा है यार, मतलब कुल मिला के 51 शक्ति पीठ है जो मतलब मानते हैं हिंदू धर्म में उनके लिए 51 माता के मंदिर है। तो उसके कुछ मतलब ड्रोन शॉट्स लेंगे यार, क्योंकि आई डोंट थिंक आई विल वॉक ऑल द वे अप टू एंड लेट्स ऑल दिस। Champagne belly bubble still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got a LB on the water's cold case. I wake up with pain some time and never go away. Wonder why I balance to my knees when I pray. In my city gritty, gotta keep it on your way. So bhai apan rope mein aa chuke hain aur abhi apan ja rahe hain Gabbar Hills. Aur abhi main akela hu to koi hai nahi to main mask utar sakta hu. और सीधे ऊपर चलते हैं, जिसको मतलब रोपवे से बहुत ही शानदार व्यू आने वाले हैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। बाकी 90% मेरी उम्मीदों में फुटाउट की खराबी होती है। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं एकदम टॉप पे गब्बर के। और जब मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा है वो असली गब्बर टेंपल जो अंबाजी देवी के थोड़ा सा ऊपर है। यार गला खराब हो गया। तो 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक आज नवरात्रि की नवमी है, तो भैया मंदिर आना तो बनता था। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ शूट किया हमने, वो देखता हूँ मैं अगर डाल पाऊँ तो। और ये देखिए नीचे, ये है वो रास्ता जो मेन गेट है और यहाँ से पूरा चलते हुए लोग ऊपर आते हैं। और दूसरा तरीका जिससे हम आए थे रोप वे, जो कि आलसी लोगों के लिए है। आलसी मैं वैसे ज़्यादा हूँ नहीं, बट मेरा मेजर रीज़न ये था कि मुझे कहीं और भी पहुँचना है आज, तो मेरे को फटाफट निपटाना था। चले भैया जय माता दी करके इसको ख़त्म करते हैं, फटाफट नीचे जाते हैं। तो भैया फाइनली अपन नीचे पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अगली लोकेशन पे, जो कि है सिद्धपुर। सिद्धपुर के अंदर वार्ड करके एक जगह है जो कि गोरखपुर के जिस की है, तो वहां पे अभी निकला जाए यहाँ से फटाफट खत्म करके। चलिए भैया चलो। आप लोग कई नाम है? सिमला राम। तो आप गांव कौन से है? गांव रवाड़ा। रवाड़ा कितने दूर है? बार तो यार मुझे एक फ्रेम दिखा है, पीछे हल्का सा माउंटेन है यहाँ पे बहुत शानदार। एक मेरे दोस्त बने, इनका मुझे शॉट लेना है, तो आई एम यूजिंग दिस गोल्डन रिफ्लेक्टर एंड आई एम यूजिंग लाइका क्यू 28 mm, तो मैं उसको शूट करता हूँ। उससे पहले ये भेड़ भाग जाए, मैं पहले अपना काम निपटाता हूँ फिर बात करेंगे।
भैया आइडिया इज कि अगर आप किसी की भी फोटो ले रहे हो ऐसे तो उनको थोड़ा बहुत पे करना जरूरी है, पैसे मिलने चाहिए। भाई साहब इसे कहते हैं असली हेल्थ कॉन्शियस लड़के, मतलब गाड़ी के ऊपर बांध रखी है। रुको यार मेरी रिंगटोन भी पता नहीं क्या। तो भैया हम फाइनली पहुंच गए हैं सिद्धपुर के अंदर, जो कि वोरा कम्युनिटी की मतलब लोकेशन है। यहाँ पे जो लोकेशन मैं देखने आया हूँ इसको सिद्धपुर वार्ड, तो वोरा वार्ड मींस लोकेलिटी। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं घर, ये वोरा कम्युनिटी के घर हैं और ये बहुत पुराने हैं। इसकी एक हेरिटेज वैल्यू भी है और टूरिस्टिक स्पॉट भी है। तो इससे पूरा मोहल्ला बहुत ही कलरफुल सा है यार, आप देखेंगे ना ब्यूटीफुल। तो यार फाइनली मैंने शूट अपना ख़त्म कर दिया है और मैं निपटा निपटू के वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा हूँ। और मतलब मुझे जो पता चला कि जो जो दरवाजे बंद हैं वो लोग अपेरेंटली मिड ईस्ट में हैं और इसलिए ऐसा कुछ है, बट लोकेशन बहुत प्यारी थी। सही हो, क्या नाम है तुम्हारा? वसीम। तो सिकंदर, तो सिकंदर भाई क्या मतलब कोरोना वरोना नहीं है? अच्छा केस नहीं भाई, कुछ भी कहो छोटू लग एकदम क्यूट रहा है और छोटे की मम्मी थोड़ी सी पजेसिव हो गई है। ऐसे ही कहते हैं गधे बचपन में बहुत क्यूट लगते हैं, हरकतें तो बड़े होके दिखाते हैं ना। तो भैया हम सिद्धपुर से निकल के पहुंच चुके हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेपवेल है, सबसे खूबसूरत है। देखते हैं आगे कहां पे है, बट है पाटन के अंदर ही बता देते हैं। नाम है रानी की वाव। चले भैया टिकट विकट सॉर्ट आउट करते हैं, परमिशन वमिशन का क्या हिसाब किताब है निपटाते हैं इसको भी। अपन रानी की वाव के अंदर आ चुके हैं, जो एडी 1022 से 1063 के बीच में बना था। और मतलब इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं है, मैं पूछ पूछ के बता रहा हूँ। और ये बताइए कि ये मतलब रानी ने राजा के चक्कर में बनवाया था, मतलब जैसे राजा ताजमहल बनवाते थे ना लौंडे, वैसे भाभी जी ने बनवाया था भाई साहब के लिए, कि भाई साहब स्वर्ग सिधार चुके थे ऐसा बोला गया था। बाकी हरकतें स्वर्ग वाली नर्ग वाली अपने को पता नहीं है और ऐसा कुछ हिसाब किताब। बाकी अपन गेड़ी वेड़ी मार के इनसे इन्फॉर्मेशन है। भाई आपका नाम? जगदीश। ये जगदीश भाई है हमारे, जगदीश भाई हमें फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और अपन उसी को चेप रहे हैं। सो भाई हमें विश कन्या मिल गई है, रिया चक्रवर्ती नहीं है, ये प्रॉपर वाली विश कन्या है। और इसको पहचानने का तरीका है कि ये सांप इसके पूरे लिपटा हुआ है, गलत। अच्छा टच नहीं करना है और विश कन्या काट लेती है। और ये बटुक भाई हैं अपने, ये बटुक है ना, हाँ ये बड़ा क्यूट सा है यार, मतलब ये बुद्धा लग रहे हैं मुझे तो, बट ठीक है क्यूट सा पेट भी है इनका। मतलब वन ऑफ द मोस्ट महंगी जो साड़ियाँ लड़कियों के लिए सेक्शन है ये, जो सबसे महंगी वाली साड़ियाँ होती है वो होती है पटोला, जो 2-3 लाख की आती है ना, 1.5 लाख से स्टार्टिंग है भैया।
और मतलब जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, मोदी जी उसके रुमाल वुमाल पहनते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था बट बताना जरूरी था। तो उसका सारा डिज़ाइन यहाँ से लिया गया है, ये सारे पटोला वाले मैटर है, और इस दूसरी साइड में भी है पटोला। हाय हाय पटोला। तो भाई ये पिलर्स का प्लान भी बना रखा है इन्होंने उस ज़माने का, और ये जो पिलर्स यहाँ पे खड़े कर रखे हैं उस ज़माने पहले इनको स्ट्रक्चर बनाया गया था। ये बड़ी सही सी चीज़ है, मैंने और कहीं नहीं देखी है। और बताइए सर, मस्त मस्त चीज़ें बता रहे हैं मेरे को आज। सामने देखो भगवान विष्णु स्वर्ग आकाश लोक में सोता है, देखा विंडो के अंदर। अच्छा, स्वर्ग भूमि और पाताल तीन लोक में सोता है। अच्छा, तीनों लोक में विष्णु सो रहे हैं भैया। और यहाँ पे मतलब सारी नकाशियाँ कर रखी हैं, अप्सरा वाली और सारी, मतलब चलते हैं। इनकी रिंगटोन बहुत प्यारी है। ये दुनिया तेरा मेरा यार कहाँ कहाँ से है भाई आप? हम यहाँ से। ये है भाई मेरा फेवरेट पार्ट, जो ऊपर से एकदम सीढ़ी जैसा दिखता है। आई लव दिस फ्रेम। कबूतर जाओ बेटा, सफ़ेद वाला भी। तो भाई हम थोड़ी सी कबूतरों वाले इलाके में घुस गए हैं, और हम स्टेपल के बीचों बीच वाले इलाके में आए हैं अभी। यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को अलाउड नहीं है, बट यही है जो मेन एरिया है। भाई अभी अपन आ चुके एकदम कुएं वाले इलाके में, जो सबसे खतरनाक वाले इलाके हैं। मेरे को लग रहा है डर, तो मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बहुत ही प्यारा स्पॉट है, इस अल्टीमेट। चलो मैं वापस चला जाए और करते हैं। और इसके अंदर तीन वो बना रखे हैं, स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक, वो जो तीन पार्ट्स हैं। एंड बाकी मैं क्या ही माथोलॉजिकल फैक्ट बताऊं यार, मैं अभी शूट कर रहा हूं। और इस वाले जो इलाके के अंदर है, अपने को यहां से जाना पड़ेगा, और ये पूरा जो लास्ट जो रेलिंग आपको दिख रही है उससे आगे पब्लिक को आने नहीं दिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चमगादड़ बहुत सारे हैं, और मुझे फटाफट निपटाना है, 15 मिनट बची हैं, तो मैं ज़्यादा वीलॉग नहीं बना पा रहा। आई एम सो सॉरी। हमारी सारी मदद तीनों ने करी है, जो फुटेजेज आप देख रहे हैं जिसके अंदर मैं अगर वीडियो में हूँ तो इन भाई साहब ने रिकॉर्ड किए हैं। बहुत ही शातिर इंसान है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों के ऊपर ऐसे एकदम नाचते हुए चले, बहुत शानदार इंसान है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ओके सर। मैंने मास्क हटाने लिए को बोला था ताकि इनकी शक्ल दिखे, और ये वापस से मास्क लगा रहे हैं। हम थोड़ा दूर खड़े हैं, फोटोज में वैसा दिख रहा है, बट चलिए। तो भैया आज संडे था, तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। तो हम करते हैं भैया आज का दिन यहीं पे समाप्त, और वापस जाते हैं। और आपको जो करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चले भैया, गुड नाइट, शाम को ही कर देते हैं।